either one kit, either half, seven. Because you are a drawer, you are a minute. We can send them to Punjab. Yeah, for the verification. यहाँ मतलब मेन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है लोगों को, ज्यादा प्रॉब्लम किस तरह की है, कौन कौन सी बीमारियाँ? आप नए ट्रेड चाहते हैं, आप क्या 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 है ट्रेड आपके पास पड़ जाएगी? तो कुछ कुछ जगह लगाया जा सकता है. If you nominate us to government building, we'll be done in Rajouri and Poonch. Oh, this I've seen in lots of places. This is sir, एक वो catch है. Only wheat and rice, sir. Only wheat and rice. हम उसको भी provide करते हैं ये rice, sir. Yes, sir. The latest is a 3-month free. Or company secretary for skill development department and science and technology department, government of Jammu and Kashmir, Shri Saurabh Bhagat sir. इसके साथ मेरे ऑफिसर कॉलीग्स जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मौजूद हैं, सरपंच बोनीखेत और उनके पंच साहिबान और बाकी सारे बोनीखेत की आवाम जो आज यहाँ मौजूद है, आप सबको मेरा सलाम और आदाब. पंचायत में आए हैं, आपके पंचायत के इलाके का जायजा भी लिया है और इस पंचायत के जो तमाम मसले हैं उनका, उनकी क्या सूरत हाल है उनका पता लगा के सारे मसलों का अजाला भी करने की कोशिश की. 1000 कुक्स तो प्रोवाइड करेंगे, उसकी लिस्ट आप बनाएं और लिस्ट बना के अपने हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. इसी तरह सोलर कुकर जो है हमारे, वो हमारे पास है, वो भी हम आपको 1000 सोलर कुकर प्रोवाइड करेंगे, उसको आप हमारे भाइयों को दे सकते हैं. रिगार्डिंग सोलर लाइट एंड स्ट्रीट लाइट के लिए उस पर भी मैं एक मुकम्मल नंबर आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा. दूसरी यहाँ पे अभी अर्जी थी कि हमें यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए. इसी साहब ने जो यहाँ सड़कों की बात की, इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के ट्रांसफॉर्मर की बात हुई और स्कूल्स की बात हुई, या हेल्थ सब सेंटर को एक्टिव बनाने की बात हुई, या ट्रॉमा सेंटर जो इस सारी सड़क पे कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, तो भूपिंदर कुमार जी जो इसके हमारे हेल्थ के सेक्रेटरी हैं उन तक भी मैं बात को पहुंचाऊंगा. मिडिल स्कूल बिल्डिंग के बारे में बात हुई और इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ कमी पेशियां उसके बारे में बात हुई, स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात हुई, ये सारी चीजों को मैंने नोट किया है. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा यहां आने का पर्पस है कि पुख्ता तरीके से आपके मसाइल खत्म हो और मसाइलों को हम सॉल्व करें और जो आपकी पंचायत है उसमें अच्छी पंचायत, एक मॉडल पंचायत बनाया जाए. उस सड़क के बारे में भी बात की आपने, अब एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन उस जगह का जो हमें नहीं ठीक से, पंगल वाली जो आपकी सड़क है उसको भी इंशाल्लाह उसको भी बनाया जाएगा और वो भी आपकी 3-4 पंचायतों को कनेक्ट करती है. इस्तेमाल के साथ और इसके मेरी जिंदगी, मेरे खानदान और मेरे समाज पर पड़ने वाले असरात से आगाह रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे जो मंशियात की लत के साथ. और एक मोहम्मद शरीफ सनफ अब्दुल अगली बार आए आपको अच्छा लगाना था भाई. आज इस पंचायत के अंदर जो हम डीसी साहब और सरपंच साहब के साथ खड़े हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है B2B5 की. ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से और मरकज में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एक डायरेक्शन है सभी ऑफिसर्स को, खासतौर पे जो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह हैं, कि हम पंचायतों में जाके जो हमारे भाई बहन इनके साथ बैठ के, खासतौर पर PRIs के साथ बैठ के सभी गवर्नमेंट स्कीमों की समीक्षा करें. तो आज की समीक्षा में हम लोगों ने एक दरबार भी किया जिसके अंदर हम लोगों ने सभी एक तरह से जितने पंचायत मेंबर से बातचीत की, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, या इसके अलावा जितने भी हमारे जो HRD रिलेटेड महकमे हैं, चाहे एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, तो उसका हमने लेखा जोखा लिया. ये एक तरह से एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, त्यौहार है डेमोक्रेसी का. और इसके दौरान जो भी इस पंचायत में डेवलपमेंट के इश्यूज थे उसमें जो पहले कार्रवाई हुई उसकी समीक्षा की गई. मुझे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन है कि काम अच्छा हो रहा है और खासतौर पर DC साहब इस पर बहुत पर्सनली ध्यान दे रहे हैं. यहाँ की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सरपंच साहब हैं, पंचेस हैं, ये लोगों की बात तो सरकार तक ठीक तरीके से पहुँचा रहे हैं और जो पैसा है वो ठीक तरीके से खर्च हुआ है. जैसे हमारे पीछे ये जो पंचायत घर बना है या इसके ऊपर जो CFC बना है,
वो भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बाकी भी जो काम पिछली बार B2B4 में आइडेंटिफाई किए गए थे वो भी सारे काम कंप्लीट हुए हैं, और आज जो कुछ मुख्तलिफ नई डिमांड्स हैं वो भी यहाँ पे रखी गई, चाहे वो PMGSY की सड़कें हों या स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह हो। और जो मेरा अपना महकमा है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी तरफ से भी आज कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हुए बायोमास मास कुक स्टोव के भी डीसी साहब को 1000 की सैंक्शन दी गई, सोलर कुकर्स की भी दी गई और सोलर लाइट्स की भी दी गई। तो ये कोशिश की जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी सबके घरों तक पहुंचाया जाए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे जो भाई बहन यहाँ पे हैं इनकी लाइफ में किस तरीके से बेहतरी लाई जा सके और सरकारी स्कीमें किस तरह से यहाँ तक पहुँच सके उसके लिए पूरी डायरेक्शंस दी गई हैं। और ये एक पहला इस सिलसिला शुरू हुआ है, तो रेगुलर इंटरवल में महीने दो महीने बाद मेरा फिर यहाँ विजिट होता रहेगा और डीसी साहब से इसकी समीक्षा की जाएगी। जो फंड्स की कमी है, जो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो बात भी आज नोट की गई। तो जो रेलेवेंट सेक्रेटरीज हैं, चाहे रोड एंड बिल्डिंग का है, PHC का, वहां तक मैं बात को पहुंचाऊंगा। बट सभी को इस बात की मुबारकबाद कि आज हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये रेगुलर सिलसिला रहेगा सरकार की तरफ से।